नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबरें। आइए आपको बताएंगे देश में आज क्या कुछ चल रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में गजब की तेजी आई है। निफ्टी 630 अंक या फिर 2.71% चढ़कर 23,160 के ऊपर का कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स 2000 अंक या फिर करीब 3% चढ़कर 76,000 के ऊपर का कारोबार कर रहा है। प्री ओपन मार्केट में निफ्टी में 1000 अंक की उछाल देखी गई है, तो वहीं सेंसेक्स में 3000 अंकों की तेजी भी देखी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उठापटक देखी जा रही है। नतीजों के ठीक दो दिन बाद एमएलए रवि राणा ने दावा किया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में एनडीए के साथ आ सकते हैं। फिलहाल शिवसेना यूबीटी ने की ओर से इस दावे को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत मिलने के 21 दिन बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। उन्हें छोड़ने के लिए दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेता छोड़ने गए थे, लेकिन दिल्ली जेल के अंदर सिर्फ दो कारों को ही जाने की अनुमति थी। बता दें जिसमें से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके साथ थी और उनके बेटे और बेटी भी उनके साथ थे। बता दें केजरीवाल के जेल जाने पर पूरी आम आदमी पार्टी दुखी है। आपके सारे नेता अलग अलग तरीके से अपना दुख जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी अलग अलग एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को सबसे आगे बताया गया है। यानी कि एग्जिट पोल की माने तो सरकार एनडीए की ही बनती दिखाई दे रही है। वहीं कुछ एग्जिट पोल 400 पार का दावा भी कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने इस बार के चुनाव अभियान में अब की बार 400 पार का नारा भी दिया था। मालदीव की मोइजू सरकार ने राफा पर हमले के बाद बड़ा कदम उठाया है। मालदीव ने देश में इजरायली नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला गाजा पर इजरायली सेना के हमले को लेकर मालदीव के लोगों में लगातार बढ़ रहे गुस्से को लेकर लिया है। मालदीव के गृहमंत्री ने आपात प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब इजरायल के लोग मालदीव में एंट्री नहीं कर सकेंगे। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। अमूल ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका देते हुए अमूल दूध का दाम बढ़ा दिया है। बता दें कि अमूल ब्रांड के तहत मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाले गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में भयानक गर्मी पड़ रही है, साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से लू ने अब तक देश के 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है। हालांकि बीच बीच में मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत की एक अच्छी खबर सुनाई। IMD के अनुसार सोमवार यानी कि आज दिल्ली में बारिश के साथ बादल भी गरज सकते हैं। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।